हेलो एवरीवन, क्या आपको भी ऐसा रेड कलर करवाना है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि रेड कलर को कैसे करते हैं। तो चलो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देख लो। आज हम करने वाले हैं लॉरियल का मजेंटा रेड ट्यूब कलर। कितना कलर लेना है, कितना डेवलपर लेना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखो। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो लेट्स गो स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको अगर रेड कलर करवाना है तो आप ये ट्यूब यूज कर सकते हो। तो ये माजरियल का ट्यूब जिसके ऊपर लिख के आता है राउंड मजेंटा, इसका मिक्सिंग रेशियो है 1:1.5 और प्राइस है 440 रुपीज़। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे। ट्यूब के ऊपर भी प्राइस लिख के आता है, तो आपने ट्यूब को देख लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कलर करने के लिए मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और ये ब्लैक वर्जिन हेयर है। इस हेयर के ऊपर आज हम कलर करेंगे। तो इस ब्लैक हेयर के ऊपर रिजल्ट कैसा आएगा चलो देखते हैं। हम इस बाउल में कलर मिक्स करेंगे और मेरे पास है स्ट्रिक का 30 वॉल्यूम डेवलपर। हम थोड़ा सा ही डेवलपर को ले लेंगे। मैं इस हेयर के अकॉर्डिंग ये कलर मिक्सिंग कर रहा हूँ। इस ट्यूब का मिक्सिंग रेशो है 1:1.5, मतलब 50 ग्राम का ट्यूब रहेगा तो उसमें हमें 75 ml डेवलपर लेना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर करने से पहले प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, आपको इस तरह से कलर को मिक्स करना है, देन हम इस हेयर के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। तो अच्छे से अप्लाई करो, हर एक हेयर को कलर लगना चाहिए। आप देख सकते हो मैं किस तरह से कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो, हमारा पूरा एप्लीकेशन अभी हो चुका है। तो अब हम इसको इस फॉइल पेपर में अच्छे से रैप करेंगे और इसको हम रखेंगे 40 मिनट के लिए। आप देख सकते हो मैं किस तरह से फॉइल पेपर को रैप कर रहा हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से रैप किया है, अब मैं इसको 40 मिनट के लिए रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे 40 मिनट अभी हो चुके, देखते हमें रिजल्ट कैसे आया है। तो अब हम इसको अच्छे से शैम्पू से वॉश करेंगे, देन मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो चलो मैं वॉश करके लेके आता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस हेयर को अच्छे से वॉश किया, देन अब हम कर रहे हैं ड्रायर। मैं इस हेयर को 100% ब्लास्ट ड्राई कर रहा हूँ ताकि जो हमारा रेड कलर का शेड है वो दिखे। आप देख सकते हो हल्का हल्का दिख रहा है। जब ये 100% ड्राई हो जाएगा तब आप देख लेना। सो गाइस, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। जो हमारे ब्लैक हेयर थे इसके ऊपर ये मजेंटा रेड कलर इस तरह से दिखता है। गाइस, ये सच में बहुत प्यारा कलर है। आप साइड वाली वीडियो में देख रहे हो जो मैंने प्लेटनिंग हेयर के ऊपर किया है। ये आप विदाउट ब्लॉन्डर भी कर सकते हो, ये साइड वाला वीडियो जिसमें मैंने वर्जिन हेयर के ऊपर यही ट्यूब कलर किया है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये मजेंटा रेड कलर, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ।